एस न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र आपके साथ। हमारे साथ अजहर जुड़ चुके हैं जो बात करेंगे कल रात में जो मैच हुआ है उसके बारे में और आज जो मैच होने वाला है उसके बारे में। तो अजहर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया शिवेंद्र। सबसे पहले बात करते हैं कल रात में जो मैच हुआ बेंगलोर और पंजाब के बीच। सबको लग रहा था कि बेंगलोर जो है वो पंजाब पे भारी पड़ेगी, जो टीम पहले बैटिंग करेगी टॉस जीत के वो टीम भारी पड़ेगी दूसरी टीम पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके उलट सारे चीजें हुई। गेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बेंगलोर की क्या कमी आपको देखने को मिली जिसकी वजह से वो पीछे रह गए मैच? देखिए, आप मुझे एक बेंगलोर की एक स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ नहीं आई। चलिए, आप एक बार वॉशिंगटन सुंदर को लिया, आपका जब विकेट गिरा भले ही बोले कि स्पिन आपने ये बोला हो पोस्ट मैच के बाद कि हमने बात की थी, हमारे बाहर से एक मैसेज आया था कोच टीम मैनेजमेंट से कि आप लेग स्पिनर खेलना है तो आप दो लेफ्टी बल्लेबाज को खिलाइए। मुझे लगता नहीं, क्यों ऐसा कभी होता नहीं क्या, कभी राइट हैंड बल्लेबाज आसानी से नहीं खेलते हुए दिखते? क्योंकि डिविलियर्स आपके जो है सबसे, विराट कोहली के साथ बात करें तो विराट कोहली के बाद सबसे जबरदस्त बल्लेबाज मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में, उनसे अच्छा बल्लेबाज क्या वर्ल्ड में उनसे अच्छा बल्लेबाज इस टाइम नहीं है कोई भी, भले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो। देखिए, आपके पास बहुत जबरदस्त दो बल्लेबाज हैं। आप देख, आपने विराट कोहली को देखा कितना उस विकेट पे कितना फंस रहे थे, वो इतना सेट होने के बाद भी आसानी से शॉट नहीं खेल पा रहे थे। अगर डिविलियर्स अगर वहां जब फिंच का विकेट गिरा, अगर जब भी डिविलियर्स वहां होते तो अपना टाइम लेते, सेट होते, सेट होने के बाद इतना मुश्किल नहीं होती उन्हें खेलने में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ी गलती की है आरसीबी ने, क्योंकि आसानी से वो उड़ा देते, वो बहुत पावर हिटिंग बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छा करा था उन्होंने लास्ट मैच में शारजा के ही मैदान में, क्योंकि वो शुरू से खेलते हुए आए थे, बहुत उन्हें गेंदें मिल गई थी कि वो अपना कवर अप कर लें। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो की है टीम मैनेजमेंट ने या फिर कप्तान से जो गलती हुई है कि डिविलियर्स को 6 नंबर पर भेजना। जी जी, और पिछले मैच में डिविलियर्स ने बहुत शानदार इनिंग भी खेली, तो बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। ऐसा नहीं कि वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं तो आप उनको उनके ऊपर आप दूसरे बल्लेबाजों को ला रहे हैं, तो ये मुझे भी लगता है कि बहुत खराब स्ट्रेटजी थी डिविलियर्स को नीचे लाना। अगर डिविलियर्स ऊपर होते तो शायद आपके पास 20-30 रन ज्यादा होते, और 20-30 रन ज्यादा होने का मतलब है कि सामने वाली टीम पे प्रेशर ज्यादा होता और कोई ना कोई गलती जरूर होती। तो ये एक बहुत कमी रही कल बेंगलोर की, जो ये मैनेजमेंट ने फैसला लिया। आपने सुंदर को भी भेज दिया, आपने दुबे को भी भेज दिया, आपने डिविलियर्स को, सुंदर को भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ, 14 बॉलें खेली। हालांकि शिवम दुबे ने जरूर 19 गेंद में 23 रन बनाए, तो ये वो रहा, लेकिन ओवरऑल ये खराब स्ट्रेटजी थी। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मुझे लगता है कि जो उनके सबसे बेहतरीन तीर हैं हम कह सकते हैं, जो वो युजवेंद्र चहल हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। हालांकि एक विकेट जरूर लिया, दो विकेट गिरने में एक विकेट उन्होंने लिया, लेकिन तो ये एक अच्छी चीज नहीं रही ओवरऑल। और मुझे लगता है कि आरसीबी उस तरीके का कल परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई शुरुआत से। विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे थे लेकिन उस रिदम में नहीं नजर आया। हालांकि जो शुरुआत करी तो उन्होंने चौके के साथ कवर ड्राइव पे, लेकिन उसके बाद वो उस तरीके के उसमें दिखे नहीं। तो ये एक अच्छी चीज खराब चीज रहा है आरसीबी के लिए। लेकिन एक चीज अच्छी मैं बोलूंगा वो रही पंजाब के लिए, वो है क्रिस गेल। आप उनको ओपनिंग में लाते हैं, ओपनर हैं वो, लेकिन आपने उनको एक फर्स्ट राउंड पे उतारा, उसके बाद भी उन्होंने 53 रन बनाए, तो ये एक दिखाता है कि क्रिस गेल कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वैसे वो अगर अगले मैच आने वाले होते हैं उनमें वो ओपनिंग होते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा पंजाब। ओपनिंग ही खेलना उनके लिए बेहतर, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हमेशा ओपनिंग ही करते हुए देखा है हमने, हो या सभी इंटरनेशनल क्रिकेट हो या लोकल मैचेस हो। तो मुझे लगता है क्रिस गेल को ठीक है, आपके लिए तीर आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपने काम करी तो बहुत अच्छा रहा। गेल ने अपना थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने अपने 50 करने के बाद बताया कि क्यों उन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, बहुत अच्छी इनिंग रही। भले ही गेल स्टॉर्म छोटा था, एक हल्की फुल्की हवा के साथ ही आया हो, लेकिन शानदार बल्लेबाजी रही मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा खेले क्रिस गेल। जी, तो ये बढ़िया मैच एक रहा। हम शारजहां की जो विकेट है वो भी बदल चुकी है पूरी तरीके से, बॉल फंस जाता है, रुक जाता है, बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं, जो शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ये ओवरऑल मैच का हम देखें तो रहा कल के जो, लेकिन जो आज का मैच होने वाला है बहुत जरूरी मैच हम इस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि जो टेबल में जो टॉप फोर की दो टीमें हैं, टॉप फोर में जो शामिल हैं,
उसमें जब मुकाबला होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि बिल्कुल कौन बिल्कुल कहाँ पे स्टैंड करेगी अगले मैच में। तो ये दूसरा चरण शुरू हो चुका है लीग का, तो इसमें मुंबई और कोलकाता का जो मैच है ये क्या रोल क्या इम्पोर्टेंस रखता है पूरे आईपीएल के लिए, क्योंकि मुंबई की टीम जो है वो दूसरे नंबर पे है टेबल में और कोलकाता के चौथे नंबर पे है, तो अगर कोलकाता ये मैच हारती है तो मेरे हिसाब से उनको और पीछे खींच देगा, और जो मुंबई अगर हारती है हालांकि उतना डिफरेंस होगा नहीं लेकिन उनको पहुंचने में शायद थोड़ी देर और होता है, तो आज के मैच की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए इम्पोर्टेंस कोलकाता के लिए बहुत क्रूशल मैच मैं कहूंगा, क्योंकि मुंबई से उनकी जो है टक्कर आप देखिए हेड टू हेड देखिए आप लगभग 20 बहुत आगे है मुंबई इंडियंस उनसे, लास्ट मुकाबला भी बहुत आसानी से मुंबई इंडियंस ने उन्हें हरा दिया था, अगर आप आखिरी के 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठाएं तो मात्र एक ही मैच कोलकाता उनसे जीत पाई है जिनमें उन्होंने 232 रन किए थे, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के नजरिए से ये, क्योंकि आपके बाद दो आपके थोड़ा चिंता का सबब ये भी है क्योंकि नारायण के बॉलिंग एक्शन पे फिर से सवाल उठने लगे हैं, उसके बाद आंद्रे रसेल जैसी फॉर्म में है उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी, इस तरह की फॉर्म उन्होंने नहीं दिखाई अभी तक, थोड़ा इंजर्ड भी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम को एक कड़ा फैसले लेने होंगे आज, क्योंकि मुझे लगता है टॉम बेनिंगटन अगर आज खिलाते हैं उन्हें तो मुझे नहीं लगता वो ओपनिंग उन्हें, क्योंकि त्रिपाठी आप बहुत अच्छा ओपनर है, हमने उन्हें नीचे बैटिंग करते हुए देखा है टॉम बेनिंगटन को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, आप मुझे लगता है अगर वो आज खेलते हैं तो उन्हें नंबर 3 या 4 पर आपको खिलाना चाहिए, और अगर वही बॉलिंग अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं आप एक क्योंकि स्पिन विकेट ज्यादा होगा आप कुलदीप यादव को भी टीम में देख सकते हैं आज मेरे लिहाज से। जी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा कि राहुल त्रिपाठी और बेंटन में कार्तिक किसको पिक करते हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेंटन जो है वो अपने आप को नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, राहुल त्रिपाठी का खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक तरह के अटैकिंग प्लेयर है, अटैक जो शुरुआत में जिसकी जरूरत होती है, नीचे खेल सकते होंगे वो, शायद उन्होंने खेला भी होगा डोमेस्टिक में काफी, लेकिन जो जिस तरह की अटैकिंग शुरुआत में चाहिए होती वो उस तरीके के खिलाड़ी है, एक फिनिशर का होता है वो नीचे एडजस्ट कर सकता है, जैसे कि बेंटन है वो उनको फिनिशर के रोल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन त्रिपाठी के साथ ऐसा नहीं है, तो ये चीज कोलकाता को शायद मुझसे बेहतर उनका मैनेजमेंट है वो उनको बताना, तो ये एक अच्छी अच्छा मैच होने वाला है आज का। मुंबई जो इनका पिछला मैच हुआ था सेम ग्राउंड पे हुआ था अबू धाबी, मुंबई ने बहुत आराम से वो मैच जीता था, तो आज जो है क्या हम उम्मीद करेंगे मुंबई इंडियंस कोई पिछले मैच से कोई चेंज करने वाली है जो उनका पिछला मैच हुआ था, और कोलकाता क्या चेंज कर सकती है कोई प्लेयर? देखिए अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूँ, देखिए बहुत इस सीजन उन्होंने बहुत दिखाया है कि एक बिल्कुल यूनिट एक मजबूत जिसे कहते हैं ना पूरी कंप्लीट T20 टीम उनके पास, वो ओपनिंग में अगर आप ओपनिंग फेल होती है तो आपके पास मिडिल ऑर्डर, अगर मिडिल ऑर्डर फेल होता है तो आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर, मुझे लगता है इन जैसा लोअर मिडिल ऑर्डर क्या मिडिल ऑर्डर पूरे इस आईपीएल में किसी के पास नहीं है, जो आपका वो जो ट्रायो है कायरन पोलार्ड हो हार्दिक पांडे कुणाल पांड्या जबरदस्त पावर हिटर बल्लेबाज हैं, अगर मैं मानता हूं अगर आप चेंज मुझे नहीं लगता कोई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जेम्स पैटिसन को किसके रिप्लेसमेंट में लाए थे, आप लाए थे कुल्टन नाइल के एक जगह पूरी करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुल्टन नाइल भी अभी फिट नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि अब मुझे लगता है अगर कुंटल नायल फिट भी हो तो उन्हें बाहर करना मुश्किल होगा, और अगर कोलकाता की वहीं बात करूं तो मुझे लगता है अगर टॉम बेनिंगटन का अगर खेलना तय नहीं होता है तो मुझे लगता है लोकी फर्गुसन को आप टीम में देख सकते हैं उनकी जगह। जी तो ये चेंज मैं भी देखना चाहूंगा, लोकी फर्गुसन अच्छे एक खिलाड़ी हैं, अगर वो खेलते हैं कोलकाता की तरफ से तो एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप तो हो ही जाएगा, और अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनका वही सेम समस्या रही है पूरे टूर्नामेंट में कि वो एक स्टेबिलिटी नहीं मिली है, कभी वो रैन को ओपनिंग में ट्राई करते हैं तो कभी तो कभी बेंटन को, तो ये एक समस्या रही है मेरे हिसाब से, आज शायद कार्तिक जो है वो बेंटन के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं इस पर भी सवाल रहेगा, इस तरीके का उनका पिछले मैच में देख के लगा नहीं, और मुंबई की बात करें तो मुझे लगता है कि अनचेंज ही रहने वाली है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें जो एक खिलाड़ी है उसकी अलग ही परफॉर्मेंस रहती है, वो मतलब एक लगता है कि जैसे ये होता है कि अगर हम नहीं चले मैं नहीं चला तो आप चलिए, ये वाला उनके में बहुत अच्छी एक पकड़ है जिसकी वजह से वो आगे आते हैं, लोग कई सारे सवाल भी उठाते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें जो एक एक प्लेयर वो मैच विनर है, जितने ज्यादा मैच विनर होते हैं वो टीम उतना ही ज्यादा जीतेगी, तो ये एक मेन बात है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आज नजरें रहेंगी, क्योंकि रोहित शर्मा तो कोलकाता के खिलाफ हमने पिछले मैच में भी देखा और वैसे
रिकॉर्ड देखा है तो शानदार है। तो बाकी मैं अगर पूछूं रोहित शर्मा को मिला के भी, तो कौन से आज प्लेयर हैं ऐसे जिन पर नजर रहे? देखिए अगर रोहित शर्मा के अलावा मैं बात करूं तो जिस तरह की क्विंटन डिकॉक फॉर्म में है तो मुझे लगता है आज भी क्विंटन डिकॉक एक विस्फोट शुरुआत दे सकते हैं। अगर उनके अलावा सूर्य कुमार यादव है, मैं किसका मतलब नाम छोड़ना मुश्किल है इस टीम में, कि आप सभी बल्लेबाज फॉर्म में है तो मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं मुझे क्विंटन डिकॉक और उनके साथ सूर्य कुमार यादव से खासा उम्मीद है कि आज अच्छा करेंगे अगर रोहित शर्मा फेल होते हैं तो। लेकिन रोहित शर्मा मुझे लगता है फेल नहीं होगा आज, क्योंकि एक उनका एक ट्रेंड बना लिया उन्होंने, एक मैच में रन बना रहा है एक मैच में नहीं, क्योंकि आप लास्ट मैच देखें उनका तो बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन उससे पहले वाले मैच में उन्होंने काफी अच्छे रन किए थे, तो मुझे लगता है आज काफी अच्छे करते हुए दिख सकते हैं हमें। और वहीं अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो जिस तरह की लय बुमराह ने पकड़ ली है तो मुझे लगता है बुमराह एक अच्छा ऑप्शन होगा, और बुमराह के साथ दीपक, क्योंकि विकेट बहुत सिलो हो चुका है तीनों ही वेन्यूज के, तो मुझे लगता है दीपक चहर एक अच्छी ऑप्शन है आपको पिक करने के लिए। जी, दीपक जैनी, राहुल चहर हैं सॉरी आप माफ वोट कीजिएगा, राहुल आपको, चहर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुंबई में मुझे लगता है कि बैटिंग तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन ये फुल क्रेडिट बॉलिंग को भी देना चाहिए, क्योंकि एक एक जो उसमें प्लेयर है, बॉलर है, चाहे वो पैटिंसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से मुंबई अच्छा कर रही है। और कोलकाता की अगर हम बात करें, तो कोलकाता में आपको कौन से प्लेयर हैं जो देखते हैं कि आज अच्छा कर सकते हैं? देखिए मुझे लगता है शुभमन गिल और ऑयन मॉर्गन बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें ऊपर आप खिलाते हैं। मुझे लगता है कार्तिक को उन्हें बिल्कुल ऊपर फ्लोट में भेजना ही चाहिए मॉर्गन को, या कोई भी आपका बल्लेबाज कोई अच्छा करे या ना करे, और मॉर्गन जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह उन्होंने साबित किया है अपने आप को एक मतलब एक एस्टेब्लिश किया है, तो मुझे लगता है मॉर्गन का ऊपर खेलना बनता है बिल्कुल, और मुझे लगता है मॉर्गन और शुभमन गिल एक अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। अगर वहीं मैं बॉलिंग की बात करूं तो मुझे लगता है पैट कमिंस बहुत अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। जी, ये आप कहना चाहते हैं, ये अगर उनका क्रम जो रहता है कि गिल और त्रिपाठी के साथ बिल्कुल ओपनिंग, उसके बाद नीतीश राणा आए और फिर मॉर्गन को भेजा जाए, बिल्कुल उसके बाद आप भले एक आधे चेंजेस कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि बिल्कुल रसल बिल्कुल कार्तिक खुद आएंगे, लेकिन ये चार जो है इनमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी थी। और ये सही भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो आपके अगर नजर घुमा के पूरी कोलकाता की टीम पे देखेंगे, तो आपके सबसे अच्छे बल्लेबाज जो वर्ल्ड क्लास जो बैट्समैन है वो मॉर्गन ही है। बिल्कुल आप मॉर्गन को जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना ज्यादा आपकी टीम के लिए फायदा होगा। तो ये रही वैसे बात बॉलिंग की, अगर मैं पूछूं बॉलिंग में आपको कौन सा ऐसा बॉलर लगता है जो आज अच्छा विकेट ले सकता है? देखिए मुझे लगता है पैटिंसन, ओ जी, मुझे लगता है कोलकाता की बात करूं तो मुझे कमिंग से बहुत उम्मीद है आज, और अगर वहीं मुंबई इंडियंस में तो मुझे लगता है बुमराह, और बुमराह के साथ बोल्ट भी अच्छा कर सकते हैं। जी, तो ये रही उसकी बात। और हेड टू हेड के बाद आपने बताया कि जैसे एक बिल्कुल तरफा मुकाबले हैं कि एक टीम 20 मैच जीती है, एक टीम 6 ही मैच जीती है, तो ये दिखाता है कि बहुत पीछे रही है कोलकाता के लिए मुंबई के खिलाफ। ये शायद 6 जो मैच जीते हैं वो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के समय में, हालांकि एक मैच पिछले साल शायद जीती थी, जी शायद नहीं जीती थी कोलकाता, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है गौतम गंभीर का जो वो था टॉप पीक जो था बिल्कुल उसपे, पे तो ठीक कोलकाता की ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट वैसे रहता है, लेकिन अगर कोलकाता एक तरफा नहीं करती है जैसे पिछले मुकाबले में इन दोनों हुआ था, तो इस पर नजरें बनी रहेंगी। आपका मुकाबला जो होने वाला है इंटरेस्टिंग मुकाबला है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक टीम जीतकर आगे जाएगी, जो भी टीम जीतेगी वो आगे ही जाएगी, लेकिन अगर हारती है टीमें तो उतना दोनों के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। अगर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस मैच पर और पिछले मैच पर। तो जी, धन्यवाद शेन। हमारे साथ अजहर इसी तरह जुड़ जाते हैं और हम बात करते हैं जो आईपीएल का मैच होते हैं सारे, उन पर छोटी छोटी बातें हैं कि कौन सी टीम टॉस जीत के क्या चूज कर सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमारे वीडियो को रोज देखें इस तरह, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।